हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के और आया हूँ। तो कई सारे स्टूडेंट्स और हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत आता है, मैसेज आता है कि सर, आप एक डिसेंबल की वीडियो बनाए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि फ़ोन को हम कैसे खोलते हैं, वो सारी चीज़ें के लिए एक वीडियो बनाइए प्रॉपर, कि फ़ोन को हम कैसे खोलते हैं, क्या करना होता है, सारी चीज़ें। तो आज मैं आपके लिए वही वीडियो आज एक बना के ले आया हूँ कि एक सैमसंग का लेटेस्ट फ़ोन है जो कि ये ऊपर से नहीं खुल, ये आपका पीछे से बैक पैनल नहीं खुलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए, जो कि ये भी एक लेटेस्ट फ़ोन है। और मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा आपके लिए डिसेंबल्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको दिखाने से पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा कि अगर अभी अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, स्मार्ट टेलीकॉम को, और आपको यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं इसको आपको मॉडल दिखा देता हूँ। फिर इसको मॉडल दिखाने के बाद मैंने इसको एक्चुअल में सारा चीज़ कर दिया है, फिर भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसको पूरा डिसेंबल करके दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं J260 जो कि लेटेस्ट मॉडल है फ्रेंड्स, J260G J2 का मॉडल है जो कि लेटेस्ट फ़ोन है। अब इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऊपर से खुलता है, मतलब इसको पहले, सबसे पहले आपको फोल्डर को निकालना होगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको इससे फोल्डर को निकालना होगा। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कवर करके दिखाऊंगा। तो फोल्डर के निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी निकाल दिया है। और आपको मैं फिर से, क्योंकि मैं पर्सनल सिंगल बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता, बट आपको सारी ट्रिक बता सकता हूँ कि आपको कैसे करना है और क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानी देनी है। क्योंकि आपके पास जो भी फ़ोन आएगा, जिस कंडीशन में आएगा, या तो ये चार्जिंग के लिए आएगा, या तो किसी एनी रीजंस के लिए आएगा, माइक के लिए आएगा, स्पीकर के लिए आएगा, तो आपको इसको सारा फ़ोन को खोलना ही पड़ेगा। ये इसका बैक पैनल है। तो इसके पहले, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं फ्रेंड्स बता दूँ कि सबसे पहले तो आप इसका डिस्प्ले को अलग कर लें। तो मैं यहाँ पे इसके कैप को खोलता हूँ, मैं इसको कैप को फ्रेंड्स खोल लेता हूँ, ओपनर से मैं इसके कैप को खोल लेता हूँ। मैं क्योंकि फर्स्ट सिंगल हैंड से ही इसको आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ, और ये मैंने इसके कैप को खोल लिया है। मैंने इसको साइड में यहाँ पे रख देता हूँ, फिर मैं आपको और भी बाद में सारी चीज़ें दिखाऊंगा। उसके बाद आपको डिस्प्ले का जो पत्ता है, इसे भी आपको रिमूव कर लेना है इजली तरीके से। ये हमने इसको रिमूव कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आप चाहे तो इसको टच सेपरेटर में रख दें, टच सेपरेटर में आपको ऐसा सिंपली तरीके से रख देना है, या तो एक हीट एयर गन आता है जिसके माध्यम से आप हीट करके इसको नॉर्मल, इसके फोल्डर्स को बहुत ही हार्ड लगा होता है तो आप इसके एयर्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही मैं आपको दिखाने की फुल कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, फिर इसको बाद आप चाहे तो SMD का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो हीट एयर ब्लोअर का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको इसको चारों कोनर में बहुत ही सेफ्टी तरीके से इसको आपको निकालना है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूँगा, और ये प्रोसीजर, क्योंकि मैं सिंगल हूँ और मैं यहाँ पे सारा टच सेपरेटर वगैरह यूज़ करूँगा, और आपको यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करूँगा और उसके बाद आपको कंटिन्यू यहाँ पे दिखाऊँगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने इसको टच सेपरेटर से अलग कर दिया है। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अलग कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको ग्लू को हमने बहुत ही इजीली तरीके से निकाल दिया है। तो अब यहाँ पे आपको फ्रेंड्स मैं दिखाऊंगा इसके फोल्डर्स को। आप सबसे पहले ऊपर से ये इसके फोल्डर्स निकल जाएंगे, देख सकते हैं ये थोड़े थोड़े निकल चुके हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ये जो फोल्डर हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे इसको रिमूव करना है, क्योंकि इसके पत्ते वगैरह कोई भी चीज़ डैमेज ना हो। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत हार्ड ग्लू रहता है, इसलिए आपको बहुत ही ईजिली तरीके से इसमें वर्क करना है। तो मैंने इसको टच सेपरेटर के माध्यम से इसको अलग रिमूव कर दिया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ, ये सारा व्यू आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और चलिए अब ये देख सकते हैं इसमें नट्स भी लगे होते हैं, जो कि मैंने इसके नट्स को, यहाँ पे सारे नट्स लगे होते हैं, इसके सारे नट्स लगे होते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको ओपनिंग करने के बाद ही मैंने सारा चीज़ को खोल दिया था, क्योंकि मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि मैं ये वीडियो खुद ही अकेला बना रहा हूँ और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये आपको नट्स को भी मैं दिखाऊंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस नट्स को मैं फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इसके सारे फोल्डर्स रखे हुए हैं, इसके कैप रखे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए ये सारे नट्स को हमने खोल के यहाँ पे रखा हुआ है। अब उसको खोलने के बाद फिर से मुझे दोनों हैंड का इस्तेमाल करना होगा, बट मैं देखता हूँ अगर ये एक हैंड से हो जाता है तो अच्छी बात है,
तो ये देखिए मैं फ्रेंड्स एक हैंड से ही आप इसके फ्रेम को आपको अलग करना है। तो मैं अभी तो ये आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं मैं एक हैंड से ही इसको यूज़ कर रहा हूँ और कोई भी वीडियो स्किप अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं राइट हैंड का भी यूज़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके सामने इस लाइव ही मैं इसको हटा रहा हूँ। और सिंपल तरीके से आप जब काम करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इसको फ्रेम को आपको रिमूव करना है। तो मैंने इतना तो निकाल दिया है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा अपर में है तो उसको मेरे दोनों हैंड को लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो और पॉज करूंगा, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने इसको इसके फ्रेम को रिमूव कर दिया है। एक हैंड से भी बहुत ही मुश्किल से निकल रहा था, तो ये देखिए इसके फ्रेम को मैंने निकाल दिया है। अब इसकी जो पीसीबी है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं सिंपली तरीके से ये हमारी पीसीबी जो कि क्लीन है, ये हमारी पीसीबी देख सकते हैं फ्रेंड बहुत ही इजीली तरीके से रिमूव हो चुकी है, बहुत अच्छी तरीके से डिसेंबल हो चुका है। तो आप इसमें आप चार्जिंग कनेक्टर पे काम कर रहे हैं या किसी अदरवाइज सेक्शन पे काम कर रहे हैं आप, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करना होता है। तो मैं इसके कनेक्टर्स को और इसके कैमरे को भी निकाल के मैं साइड में रख देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये इसका बैक कैमरा था, ये इसका फ्रंट कैमरा है, तो मैं इसके कैमरे को भी निकाल के रख देता हूँ क्योंकि मैं इसमें काम करने वाला हूँ। और मैं काम करने वाला था फ्रेंड, तो मैंने सोचा कि एक डिसेंबल का इसको प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि आपको आसानी हो जब आप इसको फ्रेम से और डिस्प्ले से इसको अलग कर रहे हो तो बहुत ही इजीली तरीके से इसको काम करें, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड ग्लू लगा होता है और यहाँ पे देख सकते हैं किसी ने ग्लू भी लगाया हुआ है फ्रेंड। तो इसको जब अभी आप काम कर रहे हो तो आप बहुत ही सेफली तरीके से काम करें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक डिसम्बल का भी वीडियो बनाए, डिसम्बल का भी वीडियो बनाए। तो मैंने ये फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने इसको सारा चीज़ डिसम्बल कर दिया है। अब मैं इस पे वर्क करूँगा, मेरे को इसमें यहाँ पे इस पीसीबी में काम करना है, जो भी इसमें सेक्शंस में प्रॉब्लम है मुझे इस सेक्शन को काम करना है। तो मैं सोचा कि ये एक वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो बना दूँ कि कैसे फ़ोन को हम डिसेंबल करते हैं, क्योंकि अगर जिन्हें पता है तो वो वीडियो को हमारे स्किप कर सकते हैं, बट जिनको ये वीडियो नहीं पता था तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे डिसेंबल हो चुकी है फ्रेंड। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लाता रहूँगा फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़